अरे सुनिए ना, हिंदू मैं भी हिंदू हूँ, मैं साथ में नहीं हूँ। पेंट खोल के दिखाऊं कि मेरा आप तो नक रखा, पेंट खोलूं कि मेरा खतना नहीं हो रखा। अब रामदेव कहता था जींस से खुजली होती है, फटा हुआ जींस भिखारियों के लक्षण है। महाराष्ट्र में सुपरा साफ, दिल्ली में बाप रे बाप, अब बंगाल में इनका हो गया मुंडन साफ। अरे आप लोग ना तवायफ की तरह मुजरा गाइए, ठुमका लगाइए, ऐसे मत। भीड़ में रैलियां करता है, कहता है दो गज है दूरी, मास्क है जरूरी। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली। इस वक्त हम मौजूद हैं पश्चिम बंगाल में, हमारा साथ यहाँ पे जो है पंकज श्रीवास्तव जुड़े। आपको बता दें कि पंकज श्रीवास्तव जो है लगातार पश्चिम बंगाल के अंदर जब यहाँ पे चुनाव चल रहा था, यहाँ पे लगातार 3 महीने से यहाँ पे ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से पूरा देश के अंदर महामारी फैला, जिस तरीके से पूरा देश के अंदर कोरोना वायरस फैला, वहीं पर जो है भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर हैं वो उठपटांग बातें कर रहे हैं। खास करके देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो टीवी पर आते हैं, सिर्फ मन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे जनता की भलाई की एक भी बात नहीं करते हैं। यहाँ पे पंकज जी जुड़े हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से पंकज जी आप एक बताइए कि अभी यहाँ पूरे देश के अंदर महामारी फैला हुआ है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर हैं वो उठपटांग बातें कर रहे हैं। कोई तो ये कह रहे हैं अगर मास्क लगाते हैं तो मेकअप खत्म हो जाएगा। देखिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूरी मदारियों की टीम है, पूरी सर्कस की टीम है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देश को कोरोना की आग में झोंका, इसके लिए देश कभी माफ नहीं करेगा। आपको पता होना चाहिए कि वुहान शहर में अगस्त और सितंबर के महीने में कोरोना का संक्रमण चल रहा था। चाइना की गवर्नमेंट ने वहाँ मैक्सिप अस्पताल बनाए, घर घर सैनिटाइज कराया, लोगों के घर घर राशन पहुँचाया, उसने सख्ती से कदम उठाए, लॉकडाउन लगाया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब 31 दिसंबर को WHO ने कोरोना से संक्रमण से माने संज्ञान लेने की बात की, हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने 300 सांसदों के साथ, 17 मुख्यमंत्री, 40 केंद्रीय मंत्री और 70 राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं के साथ दिल्ली में चुनाव में घर घर पर्चा बांट रहे थे। प्रधानमंत्री जी ट्रंप की गुलामी कर रहे थे। जिस गुजरात मॉडल की बात की जा रही थी, उस गुजरात मॉडल को ढकने के लिए चलो झूठ के पार चलो विश्व का 8वां अजूबा, उन्होंने दीवार बनाई 10 किलोमीटर लंबी, 7 फीट ऊंची। उस गुजरात जिसकी राजधानी अहमदाबाद है, जिसका नाम कर्णावती था, प्रधानमंत्री ने करुणावती बना दिया। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ व्यापार करते रहे। पत्रकार महोदय सुन तो लो, COVID-19 वैक्सीन भारत में जरूरत थी, हर घर घर में जरूरत थी, प्रधानमंत्री को अपने ही देश में देना था, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपनी बाहबाही में भारत के लोगों को मौत के मुंह में ढकेल कर भारत के जितने COVID-19 वैक्सीन थे बाहर के देशों को बेच दिया। इन्होंने ऑक्सीजन की सप्लाई की, आप एक्सपोर्ट किया। आप समझिए कि जो ऑक्सीजन की जरूरत भारत में थी, कोरोना वायरस कहता रहा अस्पतालों में डॉक्टर बढ़ाइए, अस्पतालों में बेड बढ़ाइए, अस्पतालों में दवाइयां बढ़ाइए, देश के प्रधानमंत्री जी दाढ़ी बढ़ाते रहे, दाढ़ी बढ़ाते रहे। तो दाढ़ी बढ़ाने से क्या, तो चुनाव जीतने के लिए दाढ़ी बढ़ाते हैं ना। अरे भैया सुनिए ना, जिस कोरोना वायरस लॉकडाउन के समय प्रधानमंत्री जी ताली थाली पिटवाए, प्रभु आपने रामायण देखी होगी, तकलीफ कब होता है कि ये लोग भगवान के नाम पर देश के लोगों का शोषण कर रहे हैं। रामायण में प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए तो हनुमान जी ने सुसेन वैद्य को लंका से लाया, हनुमान जी संजीवनी बूटी लाया और उसको रोकने का काम किसने किया, कालनेमी राक्षस ने। ये भाजपा के लोग वही कालनेमी राक्षस हैं। जब भारत में दवाइयों की जरूरत थी, जब भारत में ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी, जब भारत में डॉक्टरों की जरूरत थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरा विश्व का राष्ट्र अध्यक्ष प्रधानमंत्री मंत्री, अरे सुन ना लीजिए, अरे सुनिए ना, देश में चल रहा है यही तो बात है। ये कहता रहा, गांव गांव में रैलियां करता रहा, क्या चुनाव के रैलियां कराना जरूरी था? आप एक बात बताइए, पत्रकारिता करते हैं क्या करते हैं, भाजपा की आईटी सेल की दलाली कर रहे हैं आप? आपने कभी सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री जी आप रोड शो कर रहे, सारा दिन लाखों की भीड़ में रैलियां करता है, कहता है दो गज है दूरी, मास्क है जरूरी, तो आपके रैली में नहीं है, आपके रैली में पिछवाड़े में घुस जाता है, वहां कोरोना नहीं फैलेगा? कौन कहा? प्रधानमंत्री जैसे अहम पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री हैदराबाद के नगर निगम का चुनाव प्रचार करे, प्रधानमंत्री गृह मंत्री क्या दिल्ली के नगर निगम के उपचुनाव में प्रचार करे, क्या प्रधानमंत्री गृह मंत्री देश का मंत्री जाकर बिहार में चुनाव रैलियां करे, 5 राज्यों में चुनाव रैलियां करें, उपचुनावों में रैलियां करें, जहां इनको अस्पतालों का जायजा लेना था। आप एक एक अस्पतालों में जाकर देखिए, हम हर अस्पताल बनवा रहे हैं, लोगों को दवाइयां मिल रही है, वेंटिलेटर मिल रहा है, कब बना रहे हैं? जब मौत के मुंह में ढकेल दिए। ये देश में जो इतनी मौतें हुई साल भर से, आप क्या कर रहे थे? तवायफ के कोठे पर मुजरा गा रहे थे आप लोग, नेहरू जी फिर भाई नेहरू ने एम्स बनाया था, हुई तो इलाज करा रहे। अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने
चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, देश में अस्पताल नहीं बनाया होता तो आज हमारा क्या हाल होता। आप बताइए, 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि हमारा सरकार हमें टोकन दे रहा है, मौत के बाद जिंदों को अस्पतालों में लाइन में लगा दिया। अच्छा, जो मोदी भक्त है वो ये कहते हैं कि अगर मोदी जी नहीं होते, अगर मोदी जी 14 के बाद अगर यहाँ के प्रधानमंत्री नहीं बनते तो देश का क्या होता। मोदी जी नहीं होते तो वही पैदा नहीं होता। आपके पास मोबाइल जो चला रहे वो भी नहीं होता, बटन वाला मोबाइल चला रहे होते अगर मोदी जी नहीं। हाँ यार, आप लोग इतना भी दलाली भरवागिरी मत करो यार। आज से 2014 में मोबाइल फोन सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन था देश में, मोबाइल 4G नहीं। अरे सुनिए ना, 4G था। अरे सुनिए ना गुरु, आप जन्म लेते हैं तो इतना बड़ा शरीर लेके पैदा लेते हैं कि आप जन्म लेते हैं इतना छोटा लेते हैं, धीरे धीरे ना विकास करते हैं। ये आज़ादी नहीं है, ये हमारा धर्म थोड़े ना कहता है। आप आगरा में देखा होगा मुस्लिम दंपति नव दंपति के साथ जय श्री राम बोलकर बलात्कार किए, ये हमारा धर्म नहीं कहता। ये लोग भाजपा RSS के लोग, बजरंग दल के लोग, ये हिंदू धर्म को बना। मोदी का विरोध करते हैं, योगी आदित्यनाथ का विरोध करते हैं, अमित शाह का विरोध करते हैं, ये लोग तो हिंदू की रक्षा कर रहे हैं ना। मैं भी हिंदू हूँ। आपको लगता है कि DAP खाद 50 किलो के बोरे पर 700 रुपया बढ़ा, इससे हिंदू धर्म की रक्षा हो रही है? जो गैस सिलेंडर 350 रुपये से 400 रुपये की मिल रही थी, अब 1000 रुपये के करीब पहुंच गई, आपको लगता है इससे हिंदू धर्म को फायदा हुआ? जो सुनिए ना, फिर वही बात। अरे आप लोग ना तवायफ की तरह मुजरा गाइए, ठुमका लगाइए, ऐसे मत कीजिए। आप समझाइए, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो जो लोग मर रहे मुसलमान से ज़्यादा हिंदू धर्म के लोग मर रहे, तो क्या इससे हिंदू धर्म को फायदा हो रहा? क्यों लड़ा रहे हैं भाई? गंगा जमुना तहजीब भारत की शान है, पूरे वर्ल्ड में अनेकता में एकता के नाम से विविधताओं का देश माना गया है, अलग अलग खान पान, आपको हजम नहीं होता? आप हमें पुराना भारत में लौटा दीजिए ना जनाब। अच्छा, लगातार ट्विटर पर ये मांग चल रहा है, मोदी इस्तीफा दो, मोदी रिजाइन दो, मोदी झोला उठा, आज भी है कि मोदी यहाँ से निकलो। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जैसा पनौती प्रधानमंत्री जब तक देश में रहेगा, ये मौतों का सौदागर प्रधानमंत्री, ये महानीच प्रधानमंत्री, नरभक्षी प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत का जयचंद प्रधानमंत्री, जितनी भी, ये पहला ऐसा व्यक्ति है, भारत में लगभग 170 भाषाएं बोली जाती है, पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो सभी भाषा में गाली सुन रहा है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, लगातार जो है मोदी सरकार को हरका रही है, COVID-19 से जो नाकाम हुए इसको निपटने में, तो आपको क्या लगता है कि मोदी के ऊपर जो है मतलब खतरा मंडरा रहा है? इस समय देश में एक भी स्वतंत्र संस्थाएं कारगर रूप से काम नहीं कर रही, मोदी सरकार की रखेल बनकर काम कर रहे हैं। सबसे पहले चुनाव आयोग को संज्ञान लेना था, क्या चुनाव आयोग को ये नहीं पता था कि कोरोना संक्रमण से देश के लोगों का क्या हाल होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के उन मुख्य न्यायाधीशों को नहीं पता चला? क्या जो CBI, ED, IT तमाम जो संस्थाएं थी जो सरकार के हाथों की कठपुतली बनकर नाच रही है, उनकी रखेल बनकर काम कर रही है? कंगना रनावत का नाम तो सुना ही होगा आपने, सुना है नाम? नाम तो सुना है, बहुत सारे का सुना है, बोलो। हाँ, उन्होंने एक वीडियो बना के उन्होंने ये कहा कि मोदी जी आपको शर्म नहीं आती है, आपके लिए हमने इतनी आवाज़ उठाई है, आज मेरा ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है उसको लेकर जो है आपत्तिजनक जो है ट्वीट करी थी उन्होंने। आपने पश्चिम बंगाल की चर्चा की, पश्चिम बंगाल में जिस महिला के साथ बलात्कार की घटना की जिक्र भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया और देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों ने किया, आवारा कुत्ते की तरह भौंक रहे थे, उस महिला ने क्या कहा? क्या भौंक रहे थे? कि इनके साथ बलात्कार हुआ, और उन्होंने क्या कहा? मेरे साथ बलात्कार नहीं हुआ। समझिए, जिसको जिसके बारे में, जिस गोदी मीडिया के पत्रकार के बारे में ये कहा गया कि इसकी हिंदू मुस्लिम लड़ाई में हत्या हो गई, उसने जो जिंदा है, तो भारतीय जनता पार्टी और देश के दलाल मीडिया RSS के लोग और तमाम वो हिंदू संगठन जो लोग भाजपा के सहयोगी हैं, आप समझिए, उन सभी पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, देश को सांप्रदायिक आग में झोंकने की। लग रहा है कि सरकार अब जाएगी? सरकार निश्चित जाएगी, आपको नहीं दिख रहा? अरे आपको दिख रहा है कि नहीं? हरियाणा में हाफ, झारखंड में साफ, महाराष्ट्र में सुपरा साफ, दिल्ली में बाप रे बाप, अब बंगाल में इनका हो गया मुंडन साफ। आपने उत्तर प्रदेश में क्या होगा? 24 में क्या होगा? 24 में इनका पूरा मुंडी साफ हो जाएगा। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, कोई नहीं रहेगा। BJP RSS के लोगों को लोगों ने देश में देखा, हिंदू हमारे। अरे सुनिए ना, हिंदू मैं भी हिंदू हूँ, मैं साथ में नहीं हूँ, पेंट खोल के दिखाऊँ कि आपको नक रखा, पेंट खोलूँ कि मेरा खतना नहीं हो रखा, आपको दिखाऊँ, बताओ। आपको तो बताते हैं कि नकली हिंदू है,
ये सब साले नकली हिंदू जो दूसरे को कहते हैं, ये लोग राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। हमारे धर्म में नारी के सम्मान की बात है। भगवान राम सीता के लिए सुरक्षा के लिए उन्होंने यशोदा बहन को छोड़ दिया। अरे सुनिए ना, अकबकाहट क्यों है, डर लगता है कि बीजेपी वाला आपको कुछ कहेगा। भगवान राम सीता के लिए लंका तक की यात्रा तय की, रावण का वध किया, चाहते तो यशोदा बहन की नरेंद्र मोदी की तरह छोड़ देते। अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदू हैं तो यशोदा बहन जी को गले लगा लें बुढ़ापे में, समझिए। अग्नि के साथ फेरे लेना और मांग में सिंदूर भरना कोई दस्तूर नहीं है, यह इस बात का प्रतीक है कि उस महिला का जब तक जिंदा रहेगी। अरे सुनो तो सही, अगर मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, पोता पोती में खेलते, देश के लिए छोड़ते। अरे देश में आपके पापा आपकी मम्मी को छोड़ देते आप होते तो देश चलेगा, इसे सृष्टि कैसे चलेगा। अच्छा आपसे आखिरी सवाल, मैं आपसे क्या पूछता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा बनोई मिले, नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले, आप चाहते हैं कि कोई महिला नहीं चाहेगी कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले, आप इसको देश हित में कर दिए। जब देश में जनसंख्या ही नहीं रहेगा तो देश कहाँ से आएगा। सब आदमी शादी करके ऐसा ही छोड़ देगा नरेंद्र मोदी की तरह, सब रंडवाई हो जाएगा। आप सुने पहले बार, सब नरेंद्र मोदी की तरह रंडवा हो जाएगा तो ये सृष्टि कैसे चलेगा। ये जब देश की रीढ़ कौन है, बच्चे युवा, अगर यही नहीं रहेंगे, संतानोत्पत्ति नहीं होगी तो ये सृष्टि चलेगा कैसे, देश कैसे चलेगा। तो ये देशभक्ति है कि देशद्रोहिता है, आप समझिए। भगवान, आप किसी भी धर्म को मानते हैं, आप अपने जैसी कृति को पैदा कीजिए और इससे जो संसार में जो काम होंगे यही देशभक्ति है और यही सच्ची धर्म है। अच्छा बाबा, ये बाबा रामदेव जो है अभी जो देश के अंदर चल रहा है, महामारी फैला हुआ है, बाबा रामदेव कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग में जब पहला प्रकोप था कोरोना वायरस का तो बाबा रामदेव उन्होंने एक दवाई भी लॉन्च करी थी कोरोनिल नाम से, अब कहीं पर नज़र नहीं आ रहे हैं। कोरोनिल का फर्जीवाड़ा बताइए आप, बाबा अगर करने से अगर बीमारी ठीक हो तो बाबा रामदेव अपना पौने दो से दो नहीं कर लेता, समझिए। ये देश के गद्दार लोग हैं, शहद में चीनी मिलाकर बेचते हैं, ये देश का लाल चंदन बाहर चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। पकड़ाए आपने नहीं देखा, बाबा रामदेव कहता था जींस से खुजली होती है, फटा हुआ जींस भिखारियों के लक्षण है। तो क्या झक मराने के लिए रोहनी में 3000 जींस के प्रोडक्ट लॉन्च किया, लिखता है लाखों बरस पुराना हिमालय की गोद से निकाला गया नमक। अगर नहीं बाबा रामदेव खोद के लाता तो नमक वहीं सड़ जाता, नीचे एक्सपायरी डेट लिखा रहेगा। 17 अक्टूबर 2016 को, आप समझिए कि 2016 से लेकर आज तक जहां प्रधानमंत्री कौशल योजना की बात की जा रही थी, प्रधानमंत्री का करीबी भाजपा का सांसद जो बिहार के सारण से आता है, वो अपने घर में 70 से अधिक एम्बुलेंस रख रखा पता था। आप बताइए क्या ड्राइवर नहीं है, अरे वो बालू उठाने के लिए ड्राइवर है, आदमी आदमाना तो लोगों के लिए ड्राइवर नहीं है। क्या बेशर्मी करते हो यार, पत्रकार हो कि क्या हो आप लोग, फिर कहें गाली दो तो फिर कह कहेगा आदमी। आप लोग भी कम से कम उन आवारा कुत्तों से सीखा करो ना कि जो रोटी खाता है। फिर बात कही वही हम, वो बात हम क्या कह रहे हैं, 17 अक्टूबर 2016 से जो प्रधानमंत्री कौशल योजना के अंतर्गत नितिन गडकरी और सुशील मोदी ने जो वहाँ इंस्टीट्यूट स्थापित किए थे, क्या अब तक 50 ड्राइवर बना नहीं बनाया, मतलब सारा फर्जीवाड़ा। ठीक फर्जीवाड़ा उसी तरीके से है जो ये कलकत्ता की धरती पर प्रधानमंत्री 24 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात कहते हैं, जो निषाद समुदाय प्रधानमंत्री को लंका तक की यात्रा तय कराई, जिन्होंने नदी पार कराया, उसी समाज की विधवा बहू लक्ष्मी देवी के साथ खुद देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रॉड की, चीटिंग की, और इनका सांसद एम्बुलेंस घर में रखता है, बालू ढोता है। तो आप कहते 2016 से आज तक इतने ड्राइवर नहीं पैदा कर पाए, आप ड्राइवर को ट्रेनिंग नहीं दे पाए, मतलब प्रधानमंत्री कौशल योजना के नाम पर पूरे देश में जो फर्जीवाड़ा है, ये सरकारी नरसंहार चल रहा है। बिल्कुल, ये भाजपा सरकार, ये मौत नहीं है, हत्या है, जो एक साजिश षड्यंत्र और प्रयोग के तहत मोदी सरकार ने पूरे भारत को कोरोना के मुंह में झोंक दिया। इसके लिए जवाब दें भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ यहाँ पे जो है पंकज श्रीवास्तव जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि देश आत्मनिर्भर बने, लेकिन देश आत्मनिर्भर तो नहीं बना, लेकिन परमात्मा निर्भर जरूर बन गया। आपको क्या लगता है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।